तो है फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं ये कसारा, इगतपुरी कसारा के इस तरफ इसका व्यू देख सकते हैं। अभी फिलहाल दिन का समय पर बहुत सारी बारिश होती है यहाँ, त्र्यंबक, घोटी, कसारा इस तरफ इतने पहाड़ है और इतनी सारी बारिश होती है कि पलक झपकते ये दिन के रात में इतनी सारी बरसात होती है कि आपको दिन में तो ठीक है, रात में तो कुछ आगे दिखाई भी देता नहीं, फॉग होता है। इसलिए आपको ये वीडियो, आज मैंने पहले भी दो चार वीडियो डाल चुका हूँ तो बारिश के दिनों में, तो इसको लोगों ने बहुत सारे पसंद और आपका प्यार मिला, तो अभी तीसरा मेरा वीडियो है। तो फिलहाल दोस्तों, आप जब ऑटो चलाते हैं टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक पर, ये जो आगे का ग्लास है जो वो दिन में तो ठीक है पर रात के समय उसमें ऊपर ऑयल जमा होता है, दिन में जो रात में तो जब उसमें वाइपर चालू करके भी अच्छे से दिखता नहीं, जो क्लीन होता नहीं है, इसके लिए आज का वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल जो भी ख़राब वाइपर और ब्लेड या फिर मोटर या फिर आपकी बैटरी करंट कम देता भी चलता नहीं, तो इसके लिए आज का वीडियो। तो फटाफट आप वीडियो को आए हो तो ज़रूर लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो और टिप्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको एक से एक वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये कोलगेट है, 10 या 5 रुपये मिल जाता है, तो इसको आपको आगे की ग्लास है उसको थोड़ा हल्के हाथ से गीला कर लेना है और टूथपेस्ट निकाल के उस पर ग्लास पे हल्के हल्के या हाथों से टिप करना है, मतलब इस तरह करना है जैसे आपकी ग्लास को कोई क्रैचेस या कुछ ना हो, इसलिए हल्के हल्के उसके पानी डाल के उसको दिन में हो या रात में, पर ये ट्रिक बहुत काम की दोस्तों। आप भी बोलेंगे ये पहले क्यों नहीं बताया, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें कब और कहाँ यूज़ करनी, इसलिए आज वक्त निकाला है आपके लिए खास। पहले ही दो वीडियो डाल चुका हूँ तो अभी ये तीसरा है, और भी आगे आपके लिए बारिश के दिनों में जो जो प्रॉब्लम है, या आप ऑटो ड्राइवर या फिर कार भी चलाते तो इसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते। ये ट्रिक बहुत ही आसान है और बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑटो ड्राइवर को बहुत सारी चीज़ें होती है मालूम। कभी कभार आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आगे जाके और भी ऐसे वीडियो बना सकूं। तो ये हो गया फिलहाल अभी दूसरा वीडियो। दूसरे इसमें आप चूना है, जो खाने वाला जो चूना होता है या फिर शैम्पू होता है, उससे भी आपकी ग्लास है इस तरह पानी डाल के और अच्छे से हल्के हाथ से उसको वॉश करना है, जिसके कारण ऊपर होने वाला जो ऑयल रहता है जो भी कांच के ऊपर सब निकल जाता है, और बारिश के दिनों में हल्की हल्की बूंदे बांदों में तो बहुत सारी दिक्कत आती है, ऑटो ड्राइवर को पता है दोस्तों। इसलिए आपकी गाड़ी की जो आगे की हेडलाइट छोटी होती है और आगे सामने ले बड़ी बड़ी कार ट्रक जो भी गाड़ी हो, उसकी लाइट सीधा आपकी आंखों पे आती है और आगे कुछ दिखाई देता नहीं, इसके लिए आपको विंडो ग्लास पूरी क्लीन, फ्रंट ग्लास से अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो। तो दोस्तों ये एक एक टिप से आप ध्यान लगा के और समझ लो। अभी ये हो गया दूसरा। तो दोस्तों तीसरा है, ये जर्दा है या तंबाकू भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मैं आज दिखाने वाला हूँ। मैं खाता नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने उसके लिए खास आपके लिए मैंने लिया और दिखाना चाहता हूँ। इसका भी यूज़ कर सकते हैं रात के समय, और अच्छे तरह से यूज़ करने आपको पता चलेगा कि सच में ये चीज़ें बहुत काम की है और आप पहले क्यों नहीं बताया दोस्तों। जैसे ऐसे ऑटो ड्राइवर को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, खुद के पास होती है, आजू बाजू होते, पर उसका यूज़ कब करना है कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, और हल्के हल्के हाथों से ही करें, क्योंकि ग्लास ख़राब ना हो, क्रैचेस ना पड़े, इसलिए बाद में आप बोलेंगे ये कभी इमरजेंसी के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अभी फ़िलहाल ये हो गया, एक के बाद ऐसे और भी है, लास्ट तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप गाड़ी चलाते हैं। अभी हमें तो बहुत दूर, कम से कम 100, 150, 200 किलोमीटर तक दूर जाता हो, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, उस पर आजू बाजू जो चीज़ें होती है उसका यूज़ करना है, आपने सीखना है। तो ये हो गया तीसरा टिप्स। अभी चौथे टिप्स की बात जाते हैं, ये देख सकते हैं ये झाड़ के पत्ते है, ये भिंडी का झाड़, ये थेसिपिया ऐसा कुछ उसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। ये बड़ा तो नहीं होता ज़्यादा, पर ध्यान रखना है बिजली के तार वार ना हो तभी इसको तोड़े, क्योंकि बरसात के दिनों में करंट लगने के चांसेस, इसलिए पहले देख लेना है तार वार ना हो बिजली के। तो दोस्तों फिलहाल इसको भी इस तरह यूज़ करना है, उसकी पत्तियाँ तोड़ के आपकी गाड़ी के पास रखने की, जिस तरह आपको रात के समय इसको इस तरह हाथ में लेने के बाद आपकी ग्लास है आगे या फिर जो मिरर है उसको भी उस पर रगड़ सकते हैं, जिसके अंदर का जो केमिकल जो भी हो उसमें निकलने के बाद उसमें पानी जो है आगे कुछ भी नहीं रहता और ग्लास इस तरह क्लीन होती है। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आप कहाँ भी इसका पेड़ देख सकते हैं, तोड़ के आपके पास 2-4 पत्तियाँ रख सकते हैं रात के समय या दिन में बारिश हो, जब आपका वाइपर ख़राब हो जाए, तो ये चीज़ें ऐसी है दोस्तों आपको मालूम हो जाएंगी, और आप भी बोलेंगे वाह भाई ने बहुत सारी ट्रिक बताई है, आगे चल के आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। पर ज़्यादा यूज़ ना करें दोस्तों, क्योंकि ग्लास में जो क्रैचेस पड़ जाए तो फिर बाद में आप इसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं लेता, पर आपको खाली बताना है कभी कभार यूज़ करें। और आखिरी जो
पेड़ है वो एरन का, ये पत्ती आपको कहाँ भी दिख से रोड फ्रंट के लास्ट तक रहते थे। अभी ये भी इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो ये मेरा दोस्त इमरजेंसी है कि हम जब गैरेज में खाली वक्त रहते तो इसको अभी वाइपर ने, इसलिए उसको मैंने दिखाया कि इसको कैसे यूज करते हैं। इसमें से केमिकल जो इसे झाग जैसे निकलता है, और पर ग्लास एक नंबर बहुत भारी जो क्लीन होती है। पर दोस्तों इसे ज़्यादा ना रगड़े क्योंकि उससे ग्लास ख़राब होती है, इसलिए हल्के हाथों से हाथ पे भी उसको उसको तो जो एरंड के पत्ते हैं उसको हल्के हल्के हाथ से भी कर सकते हो, और आपकी ग्लास बिना वाइपर के भी अच्छे से गाड़ी चला सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं ऑटो रिक्शा ज्ञान में बनाता रहता हूँ। मैं हूँ अनिल बागुल और मेरा चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो वीडियो लास्ट तक बनाने के लिए सबके लिए मैं आपके शुक्रिया करता हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। तो अभी बार इसका दिन ख़त्म नहीं, आगे चल के और भी ऐसे वीडियो बनते रहेंगे। तो ऑटो रिक्शा ज्ञान में मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद आपको बेल आइकॉन पे क्लिक करना है।